और इस वक्त एक बड़ी खबर राजस्थान के उदयपुर से आ रही है, वो आपको हम बता दें। उदयपुर में मृतक छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। इलाज के दौरान छात्र देवराज की मौत हुई थी। 16 अगस्त को वहां पर जो चाकूबाजी हुई उसके बाद हिंसा भड़की। 16 अगस्त को स्कूल के बाहर दो छात्रों में झगड़ा हुआ था और उसके बाद चाकूबाजी वहां पर हुई, जिसके बाद बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, हिंसा भड़की। अब ये जानकारी वहां से सामने आ रही है कि उदयपुर में मृतक छात्र का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। बड़ी खबर, इलाज के दौरान छात्र देवराज की मौत हुई थी जिसके बाद अब उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। तो इस घटना के बाद भारी बवाल की तस्वीरें भी सामने आई थी। उदयपुर की ये घटना दिल को दहला देने वाली, जहां पर 10वीं कक्षा का एक छात्र देवराज, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई चाकूबाजी की इस घटना में, और जमकर बवाल की तस्वीरें सामने आई। और अब देखिए, 16 अगस्त को ये उदयपुर में चाकूबाजी की घटना हुई और स्कूल के बाहर दो छात्रों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई है इलाज के दौरान, नाम देवराज, और अंतिम संस्कार उदयपुर में मृतक छात्र का कर दिया गया है। ये राजस्थान के उदयपुर से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरों के साथ, जहां ये बेहद दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। मृतक छात्र का अंतिम संस्कार उदयपुर में कर दिया गया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।